हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही क्विक एंड यमी मील टाइम रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। चलिए शुरू करते हैं हम इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून घी लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, फिर 1 छोटा चम्मच क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे, पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे, भून लेते हैं अच्छे से। उसके बाद अब हम इसमें 1 कप चॉप्ड ऑनियंस ऐड करेंगे, इन्हें भी हमें अच्छे से भून लेना है। लगभग 1 मिनट भून लेने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें भी आधा मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। आधा मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे, इसे भी हम लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब मसाले डालना शुरू करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला। मिला लेते हैं इसे अच्छे से। अब हम इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे, 2 छोटे चम्मच पाव भाजी मसाला डाला है मैंने। लगभग आधा मिनट के लिए भुनने के बाद अब हम इसमें टमाटो प्योरी ऐड करेंगे। 1 कप टमाटो प्योरी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इस टमाटो प्योरी में 2 ग्रीन चिलीज को भी मैंने साथ में ही पीस लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ग्रेवी घी छोड़ने लगेगी वैसे ही हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। लगभग 200 ग्राम पनीर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। मिला लेते हैं इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ। लगभग 1 मिनट के लिए हम इसे यहाँ पर पकाएंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ऐड करेंगे, मिला लेते हैं इन्हें भी अच्छे से। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि घी भी अच्छे से अलग हो गया है। बस अब हम इसे फाइनली धनिया के साथ गार्निश करेंगे। अब आप इस सब्जी को गर्मा गर्म पराठों या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर।